खबर बालाघाट जिले के कटंगी से। ग्रामीण कोटा ब्रांच कटंगी द्वारा तिरोड़ी पुलिस और तिरोड़ी स्टेट बैंक कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया गया। संक्रमण के इस समय जनता कर्फ्यू के चलते, महामारी के चलते पुलिस और बैंक प्रशासन द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं वह कार्य बहुत ही सराहनीय है। पुलिस और बैंक कर्मचारियों को कोरोना योद्धा का दर्जा दिया जा रहा है। वहीं पुलिस द्वारा अपनी जान पर खेलकर लोगों को इस भयानक बीमारी से बचाने का भी कार्य किया जा रहा है। बैंक कर्मचारी और पुलिस तिरोड़ी के इस कार्य के चलते माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्रेडिट एक्सप्रेस ग्रामीण लिमिटेड ग्रामीण कोटा ब्रांच कटंगी परिवार द्वारा तिरोड़ी पुलिस और स्टेट बैंक के कर्मचारियों का सम्मान कर उनका आभार व्यक्त किया गया है। वहीं तिरोड़ी थाना प्रभारी और स्टेट बैंक मैनेजर सहित समस्त स्टाफ ने ग्रामीण कोटा के सभी कर्मचारियों को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर ग्रामीण कोटा के ब्रांच मैनेजर जयराम रघुवंशी सहित ग्रामीण कोटा के सभी सदस्य उपस्थित रहे। खबर भारत न्यूज के लिए कटंगी से मनीष चौकसे की रिपोर्ट। सर आपका परिचय? जयराम रघुवंशी, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड में ब्रांच मैनेजर। अच्छा, आपके माध्यम से अभी कुछ सामग्री किट वगैरह वितरण की गई थी कोविड में? हमारे माध्यम से सैनिटाइजर, मास्क और उसके बाद फेस मशीन वगैरह, बाकी सब तिरोड़ी पुलिस थाने में वितरण किया गया जी। और आने वाले समय की योजना? आने वाले समय में हो सकता है कि इससे बेटर हो, कोरोना महामारी को जैसे आगे चल के थी, कोरोना महामारी वगैरह आएगी तो जैसे पुलिस वाले मतलब महामारी में योद्धाओं को इससे अच्छा वो बेटर उनके लिए सुविधाजनक चीज़ भी दी जाएगी, जैसे कोई किट हो, पीपीट वगैरह, पीपीटी किट हो, सैनिटाइजर, मास्क, ऑक्सीजन मशीन वगैरह जो भी आएगा हमारे माध्यम से दिया जाएगा। कोविड को लेकर आप कोई संदेश जनता को देना चाहेंगे? कोविड को लेकर एक ही संदेश है कि घर पर रहें, सावधानी बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर वगैरह का उपयोग करें, दूरी बनाएं और जहां तक हो तो लोगों से मिलना जुलना कम हो, थोड़ा दूरी का ख्याल रखते हुए। और आपकी संस्था ग्रामीण क्षेत्र में भी काम कर रही है और आपका समूह काम कर जी योजना चला रहे हैं ग्रामीणों में? ग्रामीणों में योजना वही है कि छोटा मोटा धंधा, बिजनेस और बाकी हमारे लोगों को तो हम जागरूक करते रहते हैं, जैसे बारिश आएगी तो उनको जो भी आता है उसका जागृति वगैरह होता है कि मच्छरों से कैसे बचना है, उनसे बचाव के लिए क्या करना है, अगरबत्ती वगैरह और ये जैसे नीम ईम का वो धुआं हुआ जला के, ऐसा जैसे अभी महामारी में टीकाकरण के बारे में जानकारी दी है हम लोग मेंबरों को कि टीकाकरण लगवाने से कोई ये घाटा नहीं है, टीकाकरण लगवाना है, टीकाकरण से बहुत सारे फायदे हैं कि आगे करके जैसे कोरोना वायरस महामारी आती है तो टीकाकरण लगने के बाद उसका प्रकोप कम रहता है और जितना मतलब बीमार तो होता है आदमी, यदि सावधानी से रहेगा तो नहीं होगा, सावधानी बरतने के बाद यदि बीमार भी होता है तो उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा जितना नॉर्मल इंसान को। आप टीकाकरण को लेकर लोगों में जनजागृति चला रहे हैं और कुछ सदमे तो इतना है बस। ठीक, धन्यवाद। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए खबर भारत न्यूज को सब्सक्राइब करें। खबरों एवं विज्ञापन के लिए संपर्क करें पंकज डहरवाल, कॉन्टैक्ट नंबर 9826564928। कार्यालय का पता प्रेस मीडिया कार्यालय, तिरोड़ा रोड, खैरलांजी, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश।